इनको भी मजा आ रहा है इस मौसम में। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आपसे, मैं सावित्री माहौड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहौड़ी के ब्लॉग्स में। आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत, नए सवेरे से। तो कैसे हैं आप लोग सब? आज दिल्ली का मौसम बहुत मस्त हो रखा, क्योंकि शाम के टाइम यानी कि कल 8:30-9 बजे के करीब थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई थी और उसके बाद पूरी रात भर हवा चल रही है, आज भी चल रही है। आपको दिख रहे होंगे पेड़ हिलते हुए। फिर ठंडी हवा चली, या तो कहीं बारिश हो गई है तो उसकी वजह से भी ठंडी हवा आती है, या फिर रात भर जो हवा चली उसकी वजह से। और बादल हो रहे हैं आसमान में बहुत घने तगड़े, आपको दिखाती हूँ। देखो इतने बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पूरे आसमान में। अभी बादल बारिश वाले तो नहीं लग रहे, पर देखते हैं आती है नहीं आती है। 2-3 दिन से मौसम अच्छा हो गया है दिल्ली का। पहले तो इतनी गर्मी हो गई थी, पर आज मैं पार्क में गई, मच्छर इतने ज़्यादा हो गए कि पागल की तरह आ रहे हैं काटने के लिए। यहाँ पे सासू जी पता नहीं क्या कर रहे हैं पेड़ पौधों में, पानी दिया है उसको ऐसी। तो अब ये भी आई हूँ घूम के, आज लेट हो गई थी। और देखो कबूतर कैसे मज़े कर रहे हैं, इनको भी मज़ा आ रहा है इस मौसम में, हवा में बहुत मस्त मौसम हो रखा है, धूप भी आ रही है। और ये चारपाई हमारी बाहर खड़ी रहती है तो हवा की वजह से पूरी रात भर इसने ऐसे ऐसे आवाज़ें कर रही थी, ऐसे करके हिल रही होगी ना हवा से, तो पूरी रात भर नीचे टक 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 आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्या हो रहा है आज ऊपर ऐसा, तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ वो चारपाई रखी है तो वही आवाज़ कर रही होगी। हाँ खिलम जी पोरपनाला नवरात्रि में एक एक फूल रोज दीदी फूल खिलम है आजकल। आज बहुत दिनों बाद आ रहा तो फूल लट फूल खिल रहा आज हो। हाँ तो छोटा छोट खिलम मेरी छोटा कली जैसी हो आज खिल गए। हाँ हवा चल रहा है क्या मस्त, मच्छर है तो होगी पार्क में पागल जा काटा में बिल्कुल। फिर पैंट की हूँ बटोम सा पानी हो रहती ब्याह तो कतु शोषण था आपू खाली। ये तो पानी बोलो जो उपजाऊ पन हो मिट्टी वो सब खत्म हो जाए, आओ तो मानना नहीं चाहिए। अभी इस फूल को आज अपने लड्डू गोपाल के लिए ले जाती हूँ। कल छोटी सी कली आई थी, आज इतना अच्छा सा फूल खिल गया यहाँ पे। जो है फूल पतेलू आयो इसका सायो तो ना कश हो गई तो ना पतेल क्यों का पतेल बाग दिन काटने 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 सारा काट दी या दोहर आ रहा आप जड़न में दोहर ले रहे उन यारों में वो देखो बीच में मूर गमलन चाहो गमलन इधर हाँ लगाओ बीच में है थोड़ी बीचन बीचन गमलन जैसे माट सा जतो नो है कोई वाल काट के बागरे ने लियो को मारन ले गिलेरियल काट पछो वो भी घूम मोला के धरी मो भत्त मोट हो गए कब्बे काट है सर जो मोट काट गए पे बड़े हो छी मत तो एकदम छोड़ पतेल मैं बराबर हणी जू अच्छा के हो मिलाऊ के काट बे जा पे पर हिदवा गोब जा आ छे तो ये के गो हो जा रहो। हां एक कार हो ले ना ना या तो मैं धार रही हूँ जल बे लेना ना ना ढूंढ लीजो वालो बड़े भैरव बाबू सुगर बाबू चमड़ी जी हुआ बोले बड़े हो जो सुगर
जाना तो अपना कमानी हूँ करे जिन करे मत करे मोर तुम हाँ जी ये बेला तो जाम भागी हूँ बेला तो खाए लो कभी तो नहीं लो कभी तो पपिता जी से ही बेला चाहिए नहीं बेला चाहिए ये जब मैं पपिता जान नहीं चाहते पापा जो वही जानी हूँ मतलब जान भी पपिता लाइ जब मैं दिया ली हुई ऐसा तो ली हुई है मुझे छुट्टू लग जी हूँ लाख का तो कच्चा है हूँ। तो सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है और फिर से मैं कल वाली जगह पर आई हूँ बैठने के लिए यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हुई थी और तेज़ हवा चल रही थी। हवा तो सुबह से ही चल रही थी, आज भी तो ठंड सी लग रही थी, मतलब अच्छा मौसम हो रहा था और बादल पूरे हवा ने उड़ा दिए हैं। अब बारिश के कोई आसार नहीं है, पर आजकल गर्मी के दिन हैं, अगर अभी तगड़ी धूप निकल आएगी ना तो बहुत गर्मी हो जाएगी। प्रकृति का तो अपना जो उसका होता है अपना वातावरण, उसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अभी तगड़ी धूप आ गई तो फिर से एसी चलाने पड़ेंगे, पंखे तो चल ही रहे। पर सुबह से जो था मौसम अच्छा हो गया था एकदम से, रात भर हवा चली, सुबह भी हवा चली, फिर बूंदाबांदी हुई तो अच्छा मौसम हो गया था। और हवा नहीं चली है तो थोड़ा सा ऐसे गर्मी जैसी लग रही है, सुबह तो मुझे ठंड सी लग रही थी। तो अभी भात बनाने का भी टाइम हो गया है, थोड़ी देर बनाती हूँ भात। और क्या बोलें, सब ठीक है, बढ़िया है। आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, अगर अच्छी आपको लगती है तो लाइक तो कर दिया करो यार। जितने लोग वीडियो देखते हैं लाइक बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग। कमेंट तो दूर की बात है, कमेंट्स तो करते ही नहीं कोई भी। लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो वो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं कि भाई वीडियो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हैं सासू जी, आज ऐसे ही बैठे हैं, कल तो लहसुन छील रहे थे। नया नहीं था आज, चार बजे ठंड हो था आज। कल चश्मा बनाने गए थे हम नज़र वाला, सासू जी का टेस्ट कराए, वैसे हॉस्पिटल जाना था पर वो जाना है 5-6 तारीख को, तो उस समय मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि बेटे की शादी है तो तैयारियाँ भी अब करनी है और टाइम नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा चलो इधर ही टेस्ट करा देते, तो कल यहाँ पर टेस्ट कराया और चश्मा आज शाम को आ जाएगा। तो उसके बाद चाहे ये वाला चश्मा पहने चाहे वो वाला चश्मा पहने, तो आज शाम को इस चश्मे को लेके आती हूँ। तो वो वाला चश्मा बना रखा है स्टाइलिश, स्टाइलिश मतलब जो लेंस है उसका टीवी देखने वाला भी बना रखा है, क्योंकि टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अभी भी ऑपरेशन कर रखा है कहीं आँखों में दिक्कत ना हो जाए, तो वाला लेंस डलवा दिया मैंने ताकि ज़्यादा टीवी देखने में दिक्कत ना हो। शाम तक आ जाएगा आज, आज पहन या नहीं चश्मा, कि वो जो चश्मा वो दिन बनाए तुमको वो दिन नहीं बुड़ो जो अपन बुड़ो को मुझे हुआ आँख भी बन कहीं ख्याल नहीं कोई बोका जगह जब बुड़ी सी दिखे। अच्छा सहनोगी कहता कहता काट चुके सीखे करता है। ठीक सा ब्याह आज अब चश्म नहीं ले लो, भला ब्याह ये जाए लो भूल हूँ और ब्याह लिया आया करो। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।